वेलकम टू स्टार एजुकेशन। दोस्तों स्टार एजुकेशन आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस का जो पेपर सेट है वो लेके आ चुका है। एसएससी एमटीएस के बारे में इसके अंदर 25 पेपर सेट 25 क्वेश्चन से और 25 में से 25 राइट करने का ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट पेपर जो आपका जुलाई में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? यस, और ये हमारी क्लासें हैं जो 9 बजे रोजाना सुबह 9 बजे एसएससी एमटीएस की होने वाली है। तो क्लास का टाइम मैं बता दूंगा, जैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लासें होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो क्लासों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कितने कितने बजे क्लास होने वाली है। 3 क्लासें हम रोजाना लेंगे और तीनों क्लासों का टाइम मैं आपको बता दूंगा। चलिए एमटीएस के लिए सुबह 9 बजे और ये 15 मई से शुरू होने वाला है। कब से? 15 मई से ये क्लासें नियमित रूप से हमारी शुरू होने वाली है। 15 मई से धमाकेदार ऑफर के साथ में हम शुरू करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल करवाएंगे हमारी टीम के द्वारा। तो 15 तारीख तक हम ऑफलाइन रहेंगे, उसके बाद में ऑनलाइन क्लासें मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका एसएससी जीडी का पोर्शन हो सभी का उस काम करवाने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है और इस पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों सवाल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए भारत की संसद, दोस्तों भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं ये सवाल पूछा गया। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तीनों मिलकर जो है जो संसद बनती, क्या बनती है? तीनों बराबर संसद होती है। क्या होती है? संसद होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नगर डेन्यूब नदी के किनारे है? यस, रोम। कौन सा है? रोम। कौन सा है दोस्तों? रोम, सॉरी डेम्यू नदी के किनारे नहीं है। सवाल पूरा पढ़िए तो आप गलत नहीं करें। बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियतना, ये तीनों इस नदी के किनारे, लेकिन रोम है जो इटली के अंदर है। कहाँ है? इटली के अंदर है। रोम है इस नदी के किनारे नहीं है। रोम किस नदी के किनारे है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। भारत के विदेशी, देखिए भारत में विदेशी विनिमय समय में प्रतिरक्षक कौन है? यस, ये होता है आरबीआई। कौन है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। इसी क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। अहमदाबाद में स्थित अभय घाट, दोस्तों अभय घाट का संबंध किससे है? क्या पूछा है? अभय घाट का संबंध है, क्या बात है? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, मोरारजी देसाई अभय घाट से संबंधित है। अच्छा प्रश्न, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों को करेंगे। 5 नंबर प्रश्न का क्या है? अभय घाट, मोरारजी देसाई। और ये हमारी ऑनलाइन पेपर सेट प्रैक्टिस सेट, अच्छा पेपर सेट है दोस्तों। यहाँ पर आपको दे रखे 25 पेपर सेट है, ओनली फॉर 150 रुपये के अंदर है दे रखे। अगर आपको ज्वाइन करना है 94-61-041-363 पे जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। 1 मई से टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है, 1 मई से टेस्ट सीरीज होने वाली है। पूरा पेपर है, आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, 1 से 20 जुलाई के बीच में आपका पेपर होने वाला है, कंप्यूटर आधारित होने वाला है। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। 25 पेपर सेट है और 150 रुपये नाम मात्र की शुल्क के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे और व्हाट्सएप में लिखेंगे अपना नाम, विषय कौन सा, एमटीएस, तो एमटीएस लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। चीनी यात्री फायान, दोस्तों फायान किसके शासन काल में भारत आया था ये सवाल पूछा गया। किसके बारे में? फायान के बारे में पूछा गया। और दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब समझौता किया? दोस्तों लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आपका यूपी की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे यूपी की राजधानी है। और ये समझौता हुआ था 1916 के अंदर, हुआ था कब? हुआ था 1916 के अंदर ये समझौता हुआ था।
किसी चुंबक की, देखिए चुंबक की चुंबकत्व किससे दूर की जाती है। ये चुंबक है, चुंबक के ऊपर बारी बारी से चोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चोट। हथौड़े से पीटने से क्या होगा? हथौड़े को मार मार पीटेंगे, बार बार पीटेंगे, बार बार पीटेंगे, तो वो क्या होता है, चुंबक तो क्या हो जाता है, दूर दूर हो जाता है और तनाव आ जाता है और चुंबक क्या हो जाती है, फैल जाती है, फिर वो चुंबक का काम नहीं करती है। चलिए अगला देखिए, कलिंग युद्ध। दोस्तों सवाल पूछा गया, कलिंग युद्ध का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं सही नहीं है, कौन सा सही नहीं, सवाल देखिए क्या है, कौन सा सही नहीं है बताइए, क्या बात है सही नहीं है। देखिए सैनिकों एवं नागरिकों लोगों को कहावतें संख्या ये 4 लाख थी, ये राइट है। युद्ध के समय अशोक ने व्यक्तित्व एवं सार्वजनिक नीतियों में ये भी बिल्कुल सही है। कलिंग के बाद कोई युद्ध नहीं, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत हो गया कि मौर्य सेना में कटौती कर दी गई थी, लेकिन कटौती नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारतीय संसद के, देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? 10 नंबर प्रश्न, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जाने लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय, भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय क्रय विक्रय किस बैंक के द्वारा निरंतरण कंट्रोल करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पौधों का जनन अवयव कौन सा है? पुष्प। कौन सा है? पुष्प आपका राइट आंसर। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 के अंदर की, कब की? 1965 के अंदर की। सोडियम को कहां रखा जाता है? दोस्तों बताइए, सोडियम के बारे में पूछा है, सोडियम के बारे में पूछा है, सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसके तेल में? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला देखेंगे, मदर, देखिए किसको मदर ऑफ इंडिया रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मैडम कामा, किसे मैडम कामा को कहा जाता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन, दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? बेलग्रेड के अंदर हुआ। कहां हुआ? बेलग्रेड के अंदर हुआ। स्वराज, देखिए स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। किसे संबंधित है? मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्या है? चोल राजा। दोस्तों चोल राजा राजेंद्र ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसेना अभियान क्यों किया? इसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार के मार्गों में अवरोधों को समाप्त कर चीन के हाथ चोल व्यापार का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमजद, क्या है अमजद अली खान किस वाद्य से संबंधित है? वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह है सरोद वाद्य। कौन सा? सरोद। हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक कौन? 20 नंबर, 20 नंबर प्रश्न का हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट। कौन है दोस्तों? बाण भट्ट है। निम्न में से सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? दोस्तों सोना,
गोल्ड के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा है, गोल्ड के बारे में पूछा। और गोल्ड सबसे ज्यादा कौन सा करता है, दक्षिणी अफ्रीका करता है। कौन करता है, दक्षिणी अफ्रीका सबसे ज्यादा गोल्ड का इस्तेमाल और गोल्ड उत्पादन करने का कार्य करता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, बेरी बेरी रोग के बारे में पूछा है। बेरी बेरी रोग बताएंगे दोस्तों, बेरी बेरी रोग 22 नंबर प्रश्न, बेरी बेरी रोग विटामिन ए की विटामिन बी वन, बेरी बेरी रोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति का नाम क्या, दोस्तों हिंदी के अंदर भाषण देने वाला कौन है बताएं जल्दी, हिंदी के अंदर भाषण देने वाला अटल बिहारी वाजपेयी था। कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी था। चलिए भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन है। 24 नंबर प्रश्न का राष्ट्र आंसर है उपराष्ट्रपति। कौन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति है। और आज का अंतिम प्रश्न 25 नंबर, सिनेबार किसका आयसक है, दोस्तों सिनेबार, दोस्तों सिनेबार है, वो पारा का आयसक है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ये 25 में से आपके कितने सही है, 25 में से आपके कितने सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मुझे बताएंगे। यस, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मुझे बताएंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगर आप एसएससी एमटीएस के प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और हमारे जो 94 61 041 363 पे जाइए और व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर लीजिए। या आपका बैच एमटीएस का हम 25 पेपर सेट जल्दी शुरू करने वाले हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स। और इसका चार्ज 150 रुपये है, परीक्षा तक का चार्ज है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, नए अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक लीजिए, धन्यवाद।